कैसे हैं दोस्तों? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, और जो नीचे घंटी का बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर फर्स्ट वाले पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो है 1506TORF का, जो न्यू सॉफ्टवेयर आया है, न्यू मेनू आया है स्टार ट्रैक 5900HD का, उसके ऊपर दोस्तों। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। तो सबसे पहले देखिए बूट लोगो, जो स्टार ट्रैक 5900HD का शानदार है। इसके बाद में हम देखते हैं अंदर से इसको कि कैसा हमारा मीनू है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंस्टॉलेशन, जहां पर एंटीना सेटिंग है, सैटेलाइट, ट्रांसपोंडर, मोटर और लिमिट देखिए। उसके बाद में चैनल मैनेजर है, फेवरेट लिस्ट है, चैनल सेटअप। उसके बाद में ये लीजिए दोस्तों, लैंग्वेज, ट्रांसपेरेंसी और ये सब हमारा। तो उसके बाद में सेटिंग है दोस्तों, सेटिंग के अंदर टाइमर है, चाइल्ड लॉक है, डेट, इंटरनेट सेटिंग। इंटरनेट सेटिंग में देखेंगे तो वाईफाई है, 3G है, और मोबाइल से जो कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल से, यूएसबी केबल नेटवर्क इंटरनेट है। सिम का ऑप्शन नहीं है दोस्तों इसमें। उसके बाद में वर्जन है दोस्तों 1506F का, 12/8/2019 का। अपग्रेड है दोस्तों, यूएसबी कार्ड से अपग्रेड है, और जो नीचे वाला है HTTP अपग्रेड दोस्तों, ये है कि आप बॉक्स के अंदर पहले इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में अगर ये सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है और न्यू सॉफ्टवेयर की अपग्रेड आ गई है, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा दोस्तों। आपको यूएसबी या RS-232 से करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये सब हम देख चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, जो हमारे खास काम की चीज है। तो मल्टीमीडिया, यूट्यूब, आईपीटीवी, आईपीटीवी विजन और आईपीटीवी वीओडी। उसके बाद में हमारा कोड 1506 पेज है, शेयरिंग का ऑप्शन है दोस्तों, और डीएस कैम भी है इसके अंदर, और स्मार्ट कैम है दोस्तों। वी लाइन का ऑप्शन नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो ये सॉफ्टवेयर आप देख लीजिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे सॉफ्टवेयर का लिंक आप लोगों को दे दूंगा दोस्तों। तो देखने में तो काफी शानदार मीनू है, अगर आपको पसंद आए तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि ये सॉफ्टवेयर RS-232 केबल से होगा, यूएसबी से अपग्रेड नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग यूएसबी से ट्राई मत करें, और 1506TF वाले से RS-232 से डाउनलोड अपलोड अपलोड कर सकते हो दोस्तों। 1506G है जिनके पास, वो इसे बिल्कुल भी अपलोड करने की कोशिश ना करें, ये अपडेट नहीं होगा। उनका बॉक्स या तो रेड लाइट पे चला जाएगा या नो मैच देगा। और जो TORF और वी जोन 8009-8007 वाले दोस्त हैं, उनके ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, लेकिन RS-232 से होगा दोस्तों, यूएसबी से नहीं होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने आप सबके साथ शेयर किया दोस्तों। जो दोस्त चैनल पर नए आएंगे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, कि हमारे चैनल से जुड़े। क्योंकि चैनल के ऊपर कोई भी जो सॉफ्टवेयर की न्यू अपडेट या न्यू बॉक्स आता है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती है। तो लास्ट वीडियो था मेरा हेलो बॉक्स 8 के ऊपर दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर अपने सॉरी वो बॉक्स का जो रिव्यू है, जो अपडेट है, वो जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो आप उस बॉक्स को भी परचेज कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ओके, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।